डालो जल्दी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन वो वहीं खत्म हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो वाला है। अब वाला तीन पार्ट थे, तीनों हमने कर लिए, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देख लिया, अब क्या करना है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में थोड़ा सा घुमा फिरा के एक एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। देखो है कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले ये फिगर बनाओ आप लोग, इस तरीके का हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना, हो तो बता देना, कभी मैं पढ़ाता रह जाऊँ कुछ पता ही नहीं चले। कंडक्टर की लेंथ एल है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ये वाला पार्ट, ये ए है दोनों तरफ, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, अब निकालते हैं हम उसमें। तो पहले तो सीधा सीधा वो जो हम कंसिडरेशन करते हैं, लेट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, जो ये वाला एरिया होता है क्रॉस सेक्शन होता है, जो एंड वाला एरिया होता है उसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। अब एल लो, एल ये फिर से समझाओ फिगर, ये क्या कराए? सिंपल सा, एक कंडक्टर बनाया मैंने इस तरीके से सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा, जैसे वायर बनती है, ये वाला हिस्सा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। इस वायर की जो लेंथ है वो एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वी डी है, और जो करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है वो आई है। आई की डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपोजिट होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में है और करंट राइट डायरेक्शन में, ठीक है। मान लिया इसमें अच्छा करंट अब सपोज। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं यही सब चीजों को, क्योंकि कंसिडरेशन करनी होती है कि ए क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एल क्या है मेरे पास, एल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, और एन क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरे पास एन है। अब देखो यहां से एक एक करके हम एक्सप्रेशन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, अगर मैं इसकी एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आ जाएगा, यानी ये पूरी चीज, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, यानी वॉल्यूम बन गई, ठीक है। अब इस बात में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, किस मैं बायो वालों को हो तो बता देना। अब देखो टोटल चार्ज कितना है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है, ए एल, क्या कह रहा था दुष्यंत, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ कह रहे थे दुष्यंत जी। देखो भाई ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे है। निकाला है? मैं भी बायो वाला हूँ। अच्छा अरे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है, यानी अगर आपके पास ये क्यूब है एक तरीके से, पता नहीं क्या बन गया क्यूब से, ठीक है। अगर आप इसके एरिया को यानी बेस एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास उसकी वॉल्यूम आ जाती है, हाँ, अरे क्यूबॉइड है, मैं मैथ वाला भी हूँ, ये LBH हो जाएगा इसका। ठीक है। तो आप ये समझिए कि तीन डायमेंशंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वॉल्यूम की टर्म आ जाती है। मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिया और ये लेंथ की आप मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया में दो डायमेंशन है यानी बेस और ये दो डायमेंशन, इसकी लेंथ से आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एन क्या माना था, एन माना था हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितनी है, ए एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकालने के लिए इस एन की इस टोटल वॉल्यूम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्टर के अंदर। जैसे कि मान लो ये वन बाय वॉल्यूम था, ये वन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट समझ वॉल्यूम गए था, समझ गए। एक बड़ा बड़ा भाई, और एक मिनट रुक जा,
और इसको आपने टोटल वॉल्यूम इसकी जो थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी से वी कैंसल्ड आउट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2e, मतलब एक जस्ट एग्जांपल। तो कुल मिला के एन ए एल आ गया, टोटल वॉल्यूम से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमने फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा था, तो चार्ज का हमने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था दुष्यंत जी, एक सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू इक्वल टू एनी, एनी क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एन उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास है एन ए एल और ई क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज क्यू जो आपके पास इक्वल होगा वो होगा एन ए एल इंटू ई, यहाँ पर ये जो एन होता है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो आए एन ए एल और उसकी हमने ई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, तो ये बन गया क्यू एन ए एल ई। ठीक है, आने वाला एक्सप्रेशन बस यार, नहीं नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, फिर से बताओ। देखो भाई Q is equals to N E, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ये ऊपर से बताओ यहाँ पे ये N into AL कैसे हो गया बस ये बताओ। देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AL हो गया, N क्या था मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एक छोटे से हिस्से में, यानी अगर मैं मान के चलूं, समझ गया। चलो अच्छा, तो यूनिट वॉल्यूम में था उसको AL से मल्टीप्लाई कर दी पूरी वॉल्यूम से, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर n ये है और यहाँ पर जो n है इन टोटल वो है एन ए एल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एन ए एल हो गए, उसकी e से मल्टीप्लाई करके तो टोटल चार्ज आ गया। अब एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि करंट क्या होता है, करंट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी i होता है जो मेरे पास, i मेरे पास क्या होता है, i मेरे पास होता है q बाय टी, होता है कि नहीं q बाय टी, तो यहां से फिर Q के जो मैं वैल्यू डालूंगा N A L E अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत यहां तक, सिंपल Q की वैल्यू डाली और टाइम एज इट इज लिखा। अब यहां से देखो बिल्कुल ध्यान से, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखना नहीं है अभी, यहां तक आपको इस एक्सप्रेशन के बाद ये वाला एक्सप्रेशन और फिर ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। चलो अगले पेज पे ले चलते हैं इसको, थोड़ी वो ज्यादा हो रही है। I is equals to N A L E by T, ये expression अब तक हमारा आ चुका है, हमने बचपन में formula पढ़ा था speed is equals to distance upon time। अगर ये conductor की मैं बात करूं, यहाँ पर distance तो मेरे पास L है और speed मेरे पास VD है, तो time यहाँ से कैसे निकलेगा, distance upon speed, distance मेरे पास L है और speed मेरे पास electrons की VD है, तो इस T की जगह मैं use करूंगा L by VD, N A L E, अब मैंने यहां यूज किया L by VD, ये VD आपका ऊपर चला जाएगा, इस L से ये L कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा N E A V D, I is equals to N E A V D, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत, एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, वैसे भी अब यही लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद हमने कुछ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंडक्टर माना, ठीक है, कंडक्टर का एरिया हमने मान लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है उस कंडक्टर का, ये मैं कंडक्टर बना दूं मान लो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा ए और इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास है एल, एन क्या माना, इसका एक छोटी सी वॉल्यूम ले ली यूनिट वॉल्यूम और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास एन। ठीक है, अब मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितनी थी, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हुई मेरे पास a इंटू एल, यानी इसके एरिया a को मैंने l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल वॉल्यूम मेरे पास पूरी पूरी आ गई। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम पूरी पूरी आ गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर निकाले, अब छोटी सी वॉल्यूम में n थे, इस पूरी वॉल्यूम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो थे मेरे पास एन ए एल। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया Q इज इक्वल्स टू एन ई वाला, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे एन ए एल और ई मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो ई मेरे पास ये आ गया। उसके बाद मैंने लगाया फॉर्मूला करंट का, तो करंट क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम,
सिंपल चार्ज की वैल्यू लिखी NaLe और टाइम एज इट इज। अब फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास कंडक्टर था उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वेलोसिटी VD थी, उनकी लेंथ L थी, तो जो वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से मैंने टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस था मेरे पास L, स्पीड थी VD, तो L बाय VD I इज इक्वल्स टू NaLe और इसमें टाइम की जगह मैंने L बाय VD लगा दिया, L से L कैंसिल आउट हो गया, VD ऊपर चला गया, तो NaEVD इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया और इसको मैंने थोड़ा सा सही करके NaEAVD ऊपर वाला भी लिख सकते हो नीचे वाला भी लिख सकते हो, मेरे को नीचे वाला थोड़ा आसान लगता है, तो मैंने I इज इक्वल्स टू NaEVD। ये मेरे पास रिलेशन आ गया किसके किसके बीच का, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे क्योंकि 6 बजे क्लासेस होती हैं आप लोगों की आगे, तो इसको ये क्या इलेक्ट्रॉन ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिख रही है, ये फाइनल एक्सप्रेशन हुआ किस किसके बीच, करंट इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। तो दो फॉर्मूले यहां से अब तक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के देख लिए, एक VD is equals to EE tau by m, इसी को मैं अगर चेंज करूं तो ये होता है E V tau by ml, और एक फॉर्मूला जो यहां से निकल जाएगा हमारे पास वो फॉर्मूला ये रहेगा कि I is equals to NeAVD, यहां से VD का फॉर्मूला आ जाएगा I अपॉन NeA। ये मेन दो फॉर्मूले हमने VD के देख लिए, पहला ये दोनों, दूसरा ये D बनाता हूँ मैं, ठीक है D है ये, A नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, किसी पॉइंट पर आया हो, इकरा जी आपको रहा हो, आंचल जी आपको रहा हो, दुष्यंत जी को तो रहता नहीं वैसे, और आर्यन जी तो चले गए, प्रियांश जी आपको समझ में आ गया, यस सर बन जाएगी बात आज की क्लास में, आंचल जी यस सर, चलो इकरा जी हम आपसे बात करते हैं अभी, आपकी क्या वो रह गए प्रॉब्लम आवाज की, और चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, सबको नमस्ते, खुश रहिए, मस्त रहिए, सर आ गया मुझे भी, चलो अच्छी बात है, चलो नमस्ते, अरे